ट्रेडिंग आइडियाज बताए। हाँ तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट कंसोलिडेट करे, और दो बाय कॉल मैं यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा। पहला रहेगा यूपीएल पे, स्टॉक ने पोस्ट रिजल्ट करेक्ट कर चुका था 785 से लगभग 730 के आसपास, बट मेरे अनुमान से आई थिंक स्टॉक वापस से कमबैक मार रहा है, कमबैक दिखा रहा है। स्टॉक्स पे 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, तो मैं बाय के लिए रिकमेंड करूंगा यूपीएल को। टारगेट 775, स्टॉप लॉस 735। IRCTC मेरे अनुमान से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में वापस आने आना स्टार्ट कर चुका है। तो स्टॉक ने आई थिंक लास्ट वीक भी फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट दिया था, 650 के लेवल्स को क्रॉस कर चुका है। सो बाय के लिए रिकमेंड करूंगा इसको भी, 700 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 630। राइट, तो दो टॉपिक्स रहेंगे यहाँ, यूपीएल और IRCTC। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल, आपने एक अच्छा सरप्राइज ट्रिगर तो छोड़ दिया। अब तो गोवा बहुत लोग एक्सप्लोर कर रहे होंगे कि गोवा में ऐसा क्या बदला है, और स्पेशली इन कैसीनोस में। लेकिन ये देख लेते हैं कि हमारे दूसरे एक्सपर्ट्स आज क्या पिक्स लाए हैं। संतोष, आपकी पिक्स क्या होंगी? मेरी तीन पिक्स है, जिसमें से पहली पिक सिटी यूनियन बैंक है। वैसे अभी बैंकिंग स्टॉक्स आउट परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं, जहाँ स्मॉल बैंक्स ज्यादा आउट परफॉर्म कर रही है। इसमें एक बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट आते नजर आ रहा है। स्मॉल पुल बैक के दौरान इसने अपने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे 169 का इमीडिएट टारगेट रहेगा एंड 158.5 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। मेरा दूसरा बाय कॉल HFCL है। इस स्टॉक में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, या इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आया है और स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा है, तो यहाँ पर 81 रुपीज का टारगेट रहेगा एंड 71 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। लास्ट कॉल मेरी एक सेल साइड है कॉफोर्स, जैसा ओवर द नाइट नैसडेक में प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो शायद IT स्टॉक्स में कुछ प्रेशर देखने को मिले, तो ये 4000 के साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है। यहाँ पे सेल की सलाह रहेगी, 3700 रुपीज का टारगेट रहेगा एंड 4000 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये मेरी तीन कॉल्स है आज के लिए। इनफैक्ट HFCL जो है 5G का प्ले भी है, और अगर हम कुछ न्यूज़ लाए, क्वालकॉम के साथ उन्होंने कुछ टाई अप भी किया है। HFCL आप रेडार पे रखें। एक बार HFCL की इनकी कॉल वापस लेके आइए संतोष की, जरा उसको रिविजिट करना जरूरी है। HFCL ठीक है, वेट कर लेते हैं, उसका चार्ट भी लिखाइए। पॉइंट जो हम कहना चाह रहे हैं वो ये है कि बहुत सारे केमिकल स्टॉक्स की तरह HFCL 74 पे है, 81 का टारगेट है। इसका लंबा चार्ट लेके आएंगे तो आप देखेंगे एक बार ये 90 जाके 60 आया है वापस, और 60 से बॉटम बना के धीरे धीरे वापस उड़ना शुरू किया। ये देखिए 96 का टॉप था, 95-96 का टॉप लगा के नीचे आया था 50 तक, बहुत बड़ा करेक्शन मिड कैप्स में आया था, उसका ये पार्ट था, वहां से जर्नी स्टार्ट की है और अब 81 के टारगेट से जा रहे हैं। ये जो खबर आप बता रहे हैं, क्वालकॉम के साथ कोलैबोरेशन उन्होंने किया है 5G प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए। ये 5G का ना मिड कैप बड़ा अच्छा प्ले है। अगर आपको 5G भारती से या जियो से ना खेलना हो, तो मिड कैप बहुत सारे रूट मोबाइल, बहुत सारे ऐसे टेलीकॉम एंसिलरीज। तो चलिए एक नया तरीका 5G को प्ले आउट करने के लिए HFCL में हमने मजबूती देखी भी है मंडे सेशन में, और यहाँ से और तेजी के पूरे अनुमान नजर आ रहे हैं। चलिए हमारे और टेक्निकल एक्सपर्ट्स के भी कॉल्स क्या हैं, क्विकली समझ लेते हैं। कुछ बताएं आपकी ट्रेडिंग पिक्स क्या होंगी, कॉल ऑफ द डे के साथ शुरुआत कीजिएगा। जी हाँ, मेरी कॉल ऑफ द डे एक्रिसिल, ये मेरी पहली कॉल भी है। इसमें हमने काफी अच्छा मोमेंटम बनते हुए देखा है। स्टॉक ने एक रीसेंट ब्रेकआउट भी दिया है मंडे को, काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ बहुत ही अच्छे अपट्रेंड में रहा है। इंडिकेटर सेटअप भी इसका पॉजिटिव है। यहाँ से मुझे लग रहा है कि 680 के जो टारगेट्स हैं ये आते हुए दिख रहे हैं स्टॉक पे, 645 का स्टॉप लॉस। जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज एक्सो नोबल। इस स्टॉक में जरा सी वॉलेटिलिटी बनी रही थी, लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज को इसने काफी अच्छे से रिस्पेक्ट किया था। पिछले कुछ सेशंस में उसके नीचे गया था, बट मंडे को अगेन उसके ऊपर आके क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम एक्शन भी इसमें डिसेंट है। इंडिकेटर सेटअप एक अपटिक सजेस्ट कर रहा है यहाँ से। पोजिशनली इसमें और बड़े टारगेट्स आ सकते हैं, बट इमीडिएट बेसिस पे 1975 के टारगेट्स के लिए इसमें आप प्ले कर सकते हैं, 1900 का स्टॉप लॉस। जो मेरा तीसरा पिक है That is AIA Engineering. Again, this stock has been in a very strong uptrend. 20-day moving average को continuous respect करते आ रहा है, higher highs, higher lows का pattern बना रहा है, बहुत strong trend है। जरा सा correction इसमें हमने आते हुए देखा है, 25-25-50 के जो levels हैं उसके आसपास से, तो एक अच्छा सा dip मिला है जो एक buying opportunity के तौर पे use हो सकता है। 2450 का immediate target और 2370 का stop loss। एक important result,